भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना एवं उदारवादी चरण अध्याय 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे, किंतु इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को प्राप्त हुआ। ह्यूम ने 1883 में ही भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। 1884 में उन्हीं के प्रयत्नों से एक संस्था इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हुई। इस यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया और इस कार्य का उत्तरदायित्व भी A.O. ह्यूम को सौंपा। लेकिन पूना में हैजा फैल जाने से उसी वर्ष यह सम्मेलन बंबई में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यहीं सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। A.O. ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वस्तुविद यानी आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बैनर्जी ने की तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रतिवर्ष भारत के विभिन्न शहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता था। देश के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस के प्रारंभिक चरण में इसकी अध्यक्षता की तथा उसे सुयोग्य नेतृत्व प्रदान किया। इनमें प्रमुख हैं दादा भाई नौरे जी, जिन्होंने 3 बार अध्यक्षता की, बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चारलू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं में महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी विजय राघवचारी तथा दिनशा ई वाचा आदि नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस संबोधन का कांग्रेस के इतिहास में दूरगामी महत्व था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की सहभागिता परिलक्षित होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त प्रांतीय सभाओं, संगठनों, समाचार पत्रों एवं साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां संचालित होती रहीं। क्या कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व की धारणा थी? कहा जाता है कि A.O. ह्यूम ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल्व की स्थापना करना। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए ह्यूम को कुछ ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि शीघ्र ही राष्ट्रीय विद्रोह होने की संभावना है। यदि कांग्रेस का गठन हो जाए तो वह जनता की दबी हुई भावनाओं एवं उद्गारों को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी।
जो ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की हानि होने से बचाएगी। इसीलिए ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से अनुरोध किया कि वे कांग्रेस की स्थापना में किसी तरह की रुकावट पैदा ना करें। हालांकि भारत के कुछ आधुनिक इतिहासकारों में सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा को लेकर मतैक नहीं है, उनके अनुसार कांग्रेस की स्थापना भारतीयों में आई राजनैतिक चेतना का परिणाम थी। वे किसी ऐसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसके द्वारा वे भारतीयों की राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों को सरकार के सम्मुख रख सकें। यदि उन परिस्थितियों में भारतीय इस तरह की कोई पहल करते तो निश्चय ही सरकार द्वारा इसका विरोध किया जाता या इसमें व्यवधान पैदा किया जाता तथा सरकार इसकी अनुमति नहीं देती, किंतु संयोगवश ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गईं जिनके कारण कांग्रेस की स्थापना हो गई। विपिन चंद्र के अनुसार ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना के लिए एक तड़ित चालक या उत्प्रेरक का कार्य किया जिससे राष्ट्रवादियों को एक मंच में एकत्र होने एवं कांग्रेस का गठन करने में सहायता मिली और इसी से सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा का जन्म हुआ। कांग्रेस के लक्ष्य एवं उद्देश्य। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मंद गति से ही किंतु एक संगठित रूप में प्रारंभ हुआ। यद्यपि कांग्रेस का आरंभ बहुत ही आरंभिक उद्देश्यों को लेकर किया गया था, किंतु धीरे धीरे उसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया तथा शीघ्र ही वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवा बन गई। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य इस प्रकार थे। पहला, लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। दूसरा, भारतीयों को राजनैतिक लक्ष्यों से परिचित कराना तथा राजनीतिक शिक्षा देना। तीसरा, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। चौथा, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। पांचवा, उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। छठा, एक सामान्य आर्थिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना। सातवां, लोगों को जाति धर्म एवं प्रांतीयता की भावना से ऊपर उठाकर उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। आठवां, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उनका प्रसार करना। नरम दलीय कांग्रेस। कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905। महत्वपूर्ण नेता। कांग्रेस के इस चरण 1885 से 1905 को उदारवादी चरण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः उदारवादी नेताओं के हाथों में रहा। इसमें दादा भाई नैरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, डब्ल्यू सी बैनर्जी, एसएन बैनर्जी, रास बिहारी घोष, आरसी दत्त, बद्रुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पीआर नायडू, आनंद चार्लू एवं पंडित मदन मोहन मालवीय इत्यादि प्रमुख थे। इन नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नेताओं के नाम से भी जाना जाता है। ये नेता उदारवादी नीतियों एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन में विश्वास रखते थे। इनकी यह विशेषता इन्हें 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उभरने वाले नव राष्ट्रीयवादियों, जिन्हें उग्रवादी कहते हैं, उनसे पृथक करती है। उदारवादी उपागम। उदारवादी कानून के दायरे में रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शनों के पक्षधर थे।
यद्यपि उदारवादियों की यह नीति अपेक्षाकृत धीमी थी, किंतु इससे क्रमबद्ध राजनीतिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं तथा वे भारतीयों की वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। अतः यदि सर्वसम्मति से सभी देशवासी प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं एवं सभाओं इत्यादि के माध्यम से सरकार से अनुरोध करें तो सरकार धीरे धीरे उनकी मांगें स्वीकार लेंगी। अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उदारवादियों ने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहला, भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कर राजनैतिक मुद्दों पर उन्हें शिक्षित करना एवं उनमें एकता स्थापित करना। दूसरा, ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश सरकार को भारतीय पक्ष में करके भारत में सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करना। इसके लिए राष्ट्रवादियों ने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति अपनाई और यदि वे असफल होते तो संवैधानिक विरोध का सहारा लेते। अपने दूसरे उद्देश्यों के लिए राष्ट्रवादियों ने 1899 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना की। दादा भाई नेहरूजी ने अपने जीवन का काफ़ी समय इंग्लैंड में बिताया तथा विदेशों में भारतीय पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया। 1890 में नेहरूजी ने दो वर्ष पश्चात यानी 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लंदन में आयोजित करने का निश्चय किया, किंतु 1891 में लंदन में आम चुनाव आयोजित किए जाने के कारण उन्होंने यह निर्णय स्थगित कर दिया। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है तथा अभी ब्रिटिश शासन को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने का यथोचित समय नहीं आया है, इसीलिए बेहतर होगा कि उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। उदारवादी राष्ट्रवादियों का योगदान। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक नीतियों की आलोचना। अनेक उदारवादी नेताओं यदा दादा भाई नेहरूजी, आरसी दत्त, दिनशा वाचा एवं कुछ अन्य ने ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किया तथा उसके द्वारा भारत में किए जा रहे आर्थिक शोषण के लिए निकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का परिणाम भारत को निर्धन बनाना है। इनके अनुसार सोची समझी रणनीति के तहत जिस प्रकार भारतीय कच्चे माल एवं साधनों का निर्यात किया जाता है तथा ब्रिटेन में निर्मित माल को भारतीय बाजारों में खपाया जाता है, वह भारत की खुली लूट है। इस प्रकार इन उदारवादियों ने अपने प्रयासों से एक ऐसा सशक्त भारतीय जनमत तैयार किया जिसका मानना था कि भारत की गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन का कारण यही उपनिवेशी शासक है। इन्होंने यह भी बताया कि भारत में पदस्थ अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी वेतन एवं अन्य उपहारों के रूप में भारतीय धन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेजते हैं, जिससे भारतीय धन का तेजी से इंग्लैंड की ओर प्रवाह हो रहा है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर सभी उदारवादियों ने एक स्वर से सरकार से भारत की गरीबी दूर करने के लिए दो प्रमुख उपाय सुझाए। पहला, भारत में आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास तथा संरक्षण एवं दूसरा, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अतिरिक्त उन्होंने भू राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, बागान श्रमिकों की दशा सुधारने एवं सैन्य खर्च में कटौती करने की भी मांग की।
व्यवस्थापिका में संवैधानिक सुधार एवं अधिप्रचार। 1920 तक भारत में व्यवस्थापिकाओं को कोई वास्तविक प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। सर्वप्रथम 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। इसमें गवर्नर जनरल और उसकी काउंसलिंग के सदस्यों के अतिरिक्त 6 से 12 तक अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद भारत के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन इस परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या अत्यल्प होती थी। 1862 से 1892 के मध्य 30 वर्षों की अवधि में 45 भारतीय ही इस परिषद के सदस्य बन सके, जिनमें से अधिकांश धनी, प्रभावशाली एवं अंग्रेजों के भक्त थे। नाम मात्र के बौद्धिक व्यक्तियों एवं प्रख्यात लोगों को इसकी सदस्यता मिली। इनमें सैयद अहमद खान, क्रिस्टोदस पाल, वीएन मंडलिक, के एल नूलकर एवं रास बिहारी घोष प्रमुख हैं। इस प्रकार 1861 के एक्ट ने ब्रिटिश भारत में केंद्रीय स्तर पर एक छोटी सी विधानसभा को जन्म दिया। 1885 से 1892 के मध्य राष्ट्रवादियों की संवैधानिक सुधारों की मांगें मुख्यतः दो बिंदुओं तक केंद्रित रही। पहला, परिषदों का विस्तार एवं इनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। दूसरा, परिषदों में सुधार, जैसे परिषदों को और अधिक अधिकार देना, मुख्यतः आर्थिक विषयों पर। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने लोकतंत्र स्वशासन हेतु लंबी कार्य योजना बनाई। इनकी संवैधानिक सुधारों की मांगों को सफलता तब मिली जब ब्रिटिश सरकार ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम बनाया, किंतु इन अधूरे संवैधानिक सुधारों से कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई तथा अपने वार्षिक अधिवेशनों में उसने इन सुधारों की जमकर आलोचना की। इसके पश्चात उसने मांग की कि पहला, इनमें निर्वाचित भारतीयों का बहुमत हो तथा दूसरा, उन्होंने बजट में नियंत्रण संबंधी अधिकार दिए जाए। उन्होंने नारा दिया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग गति पकड़ने लगी। इसी समय दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य तिलक ने स्वराज की मांग आरंभ कर दी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत को कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाए। फिरोज शाह मेहता एवं गोखले ने ब्रिटिश सरकार की इस मंशा की आलोचना की, जिसके तहत वह भारतीयों को स्वशासन देने की दिशा में ईमानदारी पूर्व कार्य नहीं कर रही थी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि ये परिषदें भारतीय नेताओं के उद्गार मात्र प्रकट करने का मंच हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों में उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्रवादियों ने इनके माध्यम से विभिन्न भारतीय समस्याओं की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अक्षम कार्यपालिका की खामियां उजागर करना, भेदभावपूर्ण नीतियों एवं प्रस्तावों का विरोध करना तथा आधारभूत आर्थिक मुद्दों को उठाना, जैसे इन राष्ट्रवादियों ने इन परिषदों के माध्यम से किया। इस प्रकार राष्ट्रवादियों ने साम्राज्यवादी सरकार की वास्तविक मंशा को उजागर किया तथा स्वशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उन्होंने देश के लोगों
एवं राजनीतिक एवं आर्थिक चेतना जगाने का कार्य किया। राष्ट्रवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में साम्राज्यवादी विरोधी भावनाओं का प्रसार हुआ, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद राष्ट्रवादियों की सबसे प्रमुख असफलता यह रही कि वे इन कार्यक्रमों एवं अभियानों का जनाधार नहीं बढ़ा सके। मुख्यतः महिलाओं की भागीदारी नगण्य रही तथा सभी को मत देने का अधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। सामान्य प्रशासकीय सुधारों हेतु उदारवादियों के प्रयास, इनमें निम्न प्रयास सम्मिलित थे। पहला, सरकारी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग, इसका आर्थिक आधार हो, क्योंकि विभिन्न प्रशासकीय पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति से देश पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा है, जबकि भारतीयों की नियुक्ति से आर्थिक बोझ में कमी होगी। साथ ही अंग्रेज अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते मिलते थे, वे उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा इंग्लैंड भेज देते थे। इससे भारतीय धन का निकास होता था। इसके अतिरिक्त नैतिक आधार पर यह भी गलत था कि भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाए तथा उन्हें प्रशासकीय पदों से दूर रखा जाए। दूसरा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। तीसरा, पक्षपातपूर्ण एवं भ्रष्ट नौकरशाही तथा लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रणाली की भर्त्सना। चौथा, ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति की आलोचना। वर्मा के अधिग्रहण, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं उत्तर पूर्व में जनजातियों के दमन का कड़ा विरोध। पांचवा, विभिन्न कल्याणकारी मदों यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि में ज़्यादा व्यय की मांग। प्राथमिक एवं तकनीकी शिक्षा में ज़्यादा व्यय पर जोर, कृषि पर जोर एवं सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषकों हेतु कृषक बैंकों की स्थापना इत्यादि। छठवां, भारत के बाहर अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में कार्यरत भारतीय मजदूरों की दशा में सुधार करने की मांग। इनके साथ हो रहे अत्याचार एवं प्रजातीय उत्पीड़न को रोकने की अपील। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके अंतर्गत विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने एवं प्रेस की स्वतंत्रता तथा भाषण की स्वतंत्रता के मुद्दे सम्मिलित थे। उदारवादी या नरम पंथियों ने इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया तथा इस संबंध में भारत जनमानस को प्रभावित करने में सफलता पाई। इसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बन गया। उदारवादियों के इन कार्यों से भारतीयों में चेतना जागृत हुई एवं जब 1897 में बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं तथा पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई। नाटू बंधुओं की गिरफ्तारी एवं निर्वासन के प्रश्न पर भी भारतीयों ने कड़ा रोष दिखाया। प्रमुख विचार, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे गोखले 1891 में कहते हैं, आपको हमारे देश के इतिहास में हमारे स्थान का एहसास नहीं है, ये स्मरण बेमुश्किल ही सरकार जानती है। वस्तुतः ये लोगों तक पहुंचते हैं ताकि वे जान सके कि इन मामलों पर क्या करना है। यह कार्य बिना किसी परिणाम की आशा के वर्षों तक किया जाना है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति इस देश में सर्वथा नवीन है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों का मूल्यांकन। कुछ आलोचकों के मतानुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरपंथियों का
नाम मात्र ही योगदान था। इसीलिए वे अपने चरण में कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। इन आलोचकों का दावा है कि अपने प्रारंभिक चरण में कांग्रेस शिक्षित मध्य वर्ग अथवा भारतीय उद्योगपतियों का ही प्रतिनिधित्व करती थी। उनकी अनुनय विनय की नीति को आंशिक सफलता ही मिली तथा उनकी अधिकांश मांगे सरकार ने स्वीकार नहीं की। निसंदेह इन आलोचनाओं में पर्याप्त सच्चाई है, किंतु नरमपंथियों की कुछ एक उपलब्धियां भी थीं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यथा पहला, उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज का नेतृत्व किया। दूसरा, साझा हित के सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने एवं जागृति लाने में वे काफ़ी हद तक सफल रहे। उन्होंने भारतवासियों में इस भावना की ज्योति जलाई कि सभी के एक ही शत्रु अंग्रेज हैं तथा सभी भारतीय एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। तीसरा, उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्यों में दक्ष किया तथा आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। चौथा, उन्होंने उपनिवेशवादी शासन की आर्थिक शोषण की नीति को उजागर किया। पांचवा, नरम पंथियों के राजनैतिक कार्य दृढ़ विश्वासों पर अविलंबित थे, न कि उथली भावनाओं पर। छठा, उन्होंने इस सच्चाई को सार्वजनिक किया कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा उनके हित में हो। सातवां, उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद एवं लोकतांत्रिक विचारों एवं प्रतिनिधि संस्थाओं के विचारों को लोकप्रिय बनाया। एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया जिसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। आठवां, उन्हीं के प्रयासों से विदेशों विशेषकर इंग्लैंड में भारतीय पक्ष को समर्थन मिला। जनसाधारण की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल में कांग्रेस का जनाधार सीमित था तथा जनसामान्य ने इसमें शिथिल या निष्क्रिय भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति ज़्यादा विश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में बटा हुआ है तथा इनके विचार एवं सोच संकीर्णता से ओतप्रोत हैं। फलतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने उनकी उपेक्षा की। उदारवादियों का मत था कि राजनैतिक परिदृश्य पर उभरने से पहले जातीय विविधता के कारकों में एकीकरण आवश्यक है, लेकिन ये इस महत्व को नहीं समझ सके कि इस कारक में विविधता के बावजूद उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यापक जन समर्थन के अभाव में उदारवादी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक राजनैतिक रुख अख्तियार नहीं कर सके, किंतु बाद के राष्ट्रवादियों में उदारवादियों की इस सोच से अंतर था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए जनसामान्य में व्यापक पैठ बनाई और जनाधार बढ़ाया। कालांतर में इसका लाभ आंदोलनकारियों को मिला। ब्रिटिश सरकार का रुख। कांग्रेस के जन्म के प्रारंभिक वर्षों में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ समय के लिए सहयोगात्मक रुख बना रहा। उदारवादियों का विश्वास था कि भारत की स्थिति को ब्रिटिश शासन के अधीन रहकर ही सुधारा जा सकता है, किंतु 1887 के पश्चात कांग्रेस और सरकार के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। नरम पंथियों का भ्रम शीघ्र ही टूट गया क्योंकि शासन का वास्तविक स्वरूप उनके सामने आ गया। इस काल में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की और तीव्र कर दी। फलतः दोनों के आपसी संबंध और खराब हो गए।
इसके पश्चात कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस विरोधी रुख अख्तियार कर लिया तथा वह राष्ट्रवादियों को राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण एवं राष्ट्रद्रोही पल्लवकारी जैसे उपमाएं देने लगी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। कालांतर में सरकार ने कांग्रेस के प्रति फूट डालो एवं राज करो की नीति अपना ली। सरकार ने विभिन्न कांग्रेस विरोधी तत्वों यथा सर सैयद अहमद खान, बनारस नरेश, राजा शिव प्रसाद सिंह इत्यादि को कांग्रेस के कार्यक्रमों की आलोचना करने हेतु उकसाया तथा कांग्रेस के विरोधी संगठन संयुक्त भारत राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना में मदद की। सरकार ने सांप्रदायिकता एवं विचारों के आधार पर राष्ट्रवादियों में फूट डालने का प्रयास किया तथा उग्रवादियों को उदारवादियों के विरुद्ध भड़काया, किंतु अपने इन प्रयासों के पश्चात भी ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवाद के उफान को रोकने में सफल नहीं हो सकी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लॉर्ड डफरिन के कार्य में कांग्रेस की दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता के कारण विवश होकर ब्रिटिश सरकार को 1892 में एक अन्य अधिनियम पारित करना पड़ा जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य प्रावधान इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में 4 सदस्यों की वृद्धि की गई। नई व्यवस्था के अनुसार कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे, जो पहले 6 से 10 थे। दूसरा प्रावधान इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भारत में स्वीकार किया। भारतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा किया जाता था। सदस्यों की अनुशंसा विश्वविद्यालय, नगरपालिकाओं, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई। तीसरा इस अधिनियम द्वारा विधान मंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के तहत बजट एवं वित्तीय मामलों पर बहस करने का सीमित अधिकार प्राप्त हो गया। चौथा विधान मंडलों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मसलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की सीमाएं। भारत की विशाल जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय विधान परिषद में केवल 4 सदस्यों की वृद्धि करना उपहासजनक था। दूसरा विधान परिषद में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा, निर्वाचन की व्यवस्था नाम मात्र की थी। तीसरा पुनर्गठित केंद्रीय विधान परिषद की बैठक अपने पूरे कार्यकाल में 1909 तक सिर्फ 13 दिन प्रति वर्ष के औसत सिर्फ 13 दिन प्रति वर्ष के वार्षिक औसत से आयोजित हुई तथा इसके कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या केवल 5 थी। चौथा गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने एवं मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं था। पांचवा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था और न ही वे विमर्शित प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। प्रमुख विचार विपिन चंद्र का विचार।
1858 से 1905 तक का समय भारतीय राष्ट्रवाद का शैशव काल था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने इस काल में राष्ट्रवाद की धरती को सींचा एवं उसमें गहरे तक राष्ट्रीयता के बीज बो दिए। लाला लाजपत राय के विचार। यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसर खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। दादा भाई नौरोजी का विचार। हम कोई भीख नहीं मांगते, हमें केवल न्याय चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य में नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं? उनकी मीमांसा किए बिना ही केवल एक शब्द स्वराज में सब कुछ व्यक्त किया जा सकता है। वैसा ही स्वराज जैसा आयरलैंड, कनाडा अथवा अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित है। दादा भाई नौरोजी 1905 में जेडी सदरलैंड को अपने पत्र में लिखते हैं, भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। वह निरंतर लूटा जा रहा है। प्राचीन काल में भी लुटेरे आते थे, परंतु वे लूटने के बाद चले जाते थे तथा कुछ ही वर्षों में भारत पुनः अपनी आर्थिक हानि पूरी कर लेता था, परंतु अब तो वह लगातार ज़्यादा से ज़्यादा दरिद्र होता जा रहा है। उसे इस लूट से दम लेने का अवकाश नहीं मिलता। गोखले सरकार की उदासीनता एवं कुशासन के संबंध में 1905 में कहते हैं, वह भारतीय जनता का सर्वथा तिरस्कार करता है, जनता की भावनाओं की अवहेलना करता है, जनता के हितों के स्थान पर शासन के हितों की चिंता करता है, अतः उसके सम्मुख न्याय की दुहाई देना कोरा मजाक है। लॉर्ड कर्जन 1900 में कहते हैं, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है तथा उसकी इच्छा है कि वह कांग्रेस की शांतिमय मृत्यु में सहायता दे सके।